Start with the Finance Commission of India and the inter-state relations means the center and the state relations of finance. अब आपको पता है that you everyone know that what is Finance Commission. Everyone know. Can you tell me what is Finance Commission? Okay, Finance Commission जो है एक institutional body है, एक constitutional body है. Constitutional body means कि constitution के द्वारा बनाई गई है, जो हमारा संविधान है भारतीय, उसके through बनाई गई constitutional body है, जो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं हमारी कंट्री के, फाइनेंस से रिलेटेड मींस इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड जितने भी यू नो टर्म्स होती हैं, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, हमने कहाँ क्या खर्चा किया, ये सारी चीज़ों जो है उस सब का हिसाब रखना, उन सब का नोट डाउन करके रखना, वो फाइनेंस कमीशन का काम होता है, जो हमारे इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं. आर्टिकल 280 में इस कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 280 में उसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है कि भाई ये फाइनेंस कमीशन होता है. ठीक है, ये बता रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो है एक काजी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है. क्वाजी जुडिशियल बॉडी मीन्स कि भाई वो जो हमारा कोर्ट है उसकी तरह ही होती है, लेकिन कोर्ट से उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स आप सबको पता है क्या होती है, राइट, जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट्स में उससे डिफरेंट होती है, बट वो एक्ट करती है कोर्ट की तरह ही. तो हमारी जो फाइनेंस कमीशन है वो काजी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडी की तरह रोल करती है. ठीक है, नाउ व्हाट इट इज़ सेइंग दैट, अब इसमें क्या होता है फाइनेंस कमीशन में, फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकॉर्ड करती है जितने भी हमने ग्रांट्स दिए हैं, जितने भी हमने सब्सिडीज़ दी हैं, या जितने भी हमने अमाउंट का डिवीज़न किया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. जितना भी हमने हमारी सेंटर में, हमारी स्टेट गवर्नमेंट में, हमने सेंटर को कितना दिया, हमने पर्टिकुलर स्टेट को कितना दिया, उन सब का जो डिवीज़न होता है वो जो है फाइनेंस कमीशन करती है कि भाई कितना अमाउंट है हमारे पास हमारे कंट्री में, उसके हिसाब से हम स्टेट वाइज और सेंटर वाइज उसको डिवाइड करेंगे. ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का. एंड फाइनेंस कमीशन जो है किसके थ्रू गवर्न की जाती है, गवर्न मींस कौन जो है उसका हेड होता है, जो फाइनेंस कमीशन का हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का. इंडिया का जो प्रेसिडेंट होंगे वो द होल एंड सोल पर्सन है फाइनेंस कमीशन के, मींस जितने भी रूल्स रेगुलेशंस या फिर जितने भी यू नो प्रोविजंस वगैरह बनाने हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट जो हैं वो बनाएंगे. ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 281 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 281 आर्टिकल में ये बताया है कि भाई जो प्रेसिडेंट होगा स्पेसिफिक कंट्री का, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे वो फाइनेंस कमीशन के होल एंड सोल होंगे एंड हेड होंगे. फाइन, अब जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या फिर वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, ओके, जो प्रेसिडेंट होंगे वो फाइनेंस कमीशन का जो बिल होता है, बिल मींस जब हम फाइनेंस कमीशन में जो जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं या कितने हमने मनी कहाँ देना है, किसको देना है, वो सारी चीज़ें एक रिटन बिल में लिखी होती है. बिल मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं. एंड जो जो प्रेसिडेंट होता है एट द एंड वो सिग्नेचर करते हैं अपने, वो साइन करते हैं, तब जाके वो बिल आगे पास होता है कि भाई हाँ अब मैंने आपको परमिशन दे दी है कि ये जो मनी है आप इस इन इन लोगों में या इस पर्टिकुलर स्टेट या सेंटर में या फिर यूनियन टेरिटरी में आप इसको डिवाइड करो. तो प्रेसिडेंट का काम होता है कि भाई वो जो पार्लियामेंट हाउस है, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पर वो बिल जाने से पहले और उसको अनाउंस करने से पहले वो बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसमें सारी उनके साथ उनको एक नोट मिलता है जिसमें सारी यू नो लिस्ट बनी होती है कि भाई हम पर्टिकुलर अमाउंट किन किन पर्टिकुलर स्टेट या किन किन पर्टिकुलर लोगों को दे रहे हैं और फिर प्रेसिडेंट्स उस पर साइन करते हैं. ओके, हाँ अभी आते हैं सर, जस्ट वन मिनट. जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, उसके बाद ये बताया गया कि भाई जो फाइनेंस, उससे पहले क्या होता था कि जो फाइनेंस कमीशन्स होते थे वो अपनी मर्जी से वो 10 इयर्स 12 इयर्स तक चलते रहते थे, उसमें फिर चेंजेस नहीं होते थे. बट
काफ़ी ज़्यादा यू नो डिसबैलेंस होने लगा मनी का, कि भाई कुछ स्टेट्स में ज़्यादा जाने लगा, कुछ स्टेट में कम जाने लगा, किन्हीं यूनियन टेरेटरीज़ को बिल्कुल नहीं मिलता था, किन्हीं यूनियन टेरेटरीज़ को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, जो भी अमाउंट होता था, जो भी डिवीज़न होता था। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो फाइनेंस कमीशन होगा वो 5 ईयर्स तक बनेगा, 5 ईयर्स के बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स हम उसको चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि भाई फर्स्ट 5 ईयर्स में कितना हमने जो अमाउंट है वो कहाँ पर दिया, किसको दिया, और उसके हिसाब से कि भाई क्या स्टेट है हमारी कंट्री की या किस स्टेट की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट 5 ईयर्स स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर था, फर्स्ट 5 ईयर जो था हमारा वो 1992 में स्टार्ट हुआ कि भाई अब से हम 5 ईयर्स प्लान रखेंगे। जैसे हमारी जो 5 ईयर्स प्लान है, आपने सबने पढ़ा होगा कि भाई जो 5 ईयर प्लान फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड द फर्स्ट 5 ईयर, अभी जो हमारा चल रहा है वो आई गेस 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, जो अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री में चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने लगाया है, राइट। तो इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन का भी 5 ईयर प्लान उन्होंने बनाया एंड 2000 के ऑनवर्ड्स, 2000 के बाद ये जो उन्होंने जो बिल दिया था या जो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि भाई हम 5 ईयर प्लान का कमीशन बनाएंगे, 2000 ऑनवर्ड्स ये स्ट्रिक्टली बेसिस पर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमने बनाया 12th फाइनेंस कमीशन, जो हमने 2002 में बनाया, RBI के जो गवर्नर थे उनके थ्रू ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना। उसके बाद द 13th फाइनेंस कमीशन था, वो नवंबर 13, 2007 में बना, ओके, उसको हमने नाम दिया 13th फाइनेंस कमीशन। उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन बना, जो हमने जनवरी 2013 में हमने जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था 5 ईयर्स का, वो नवंबर 2013 में किया। आप ये डेट्स याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में यू नो कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई जो 14th फाइनेंशियल कमीशन था, फाइनेंस कमीशन था, वो कौन सी डेट पे इस्टेब्लिश हुआ था और किसके थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये RBI के जो गवर्नर है उनके थ्रू ही इस्टेब्लिश हुआ था। एंड लास्ट जो था वो नवंबर 2017 से अभी करंटली चल रहा है, जो है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन, ओके। नाउ अब ये पूछ रहा है कि भाई कॉम्पोजिशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, कॉम्पोजिशंस मीन्स कि हमने फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया, किसके लिए बनाया और किन किन लोगों ने फाइनेंस कमीशन बनाया। इफ यू डोंट माइंड कैन आई स्विच ऑन द फैन प्लीज। अब जैसे सर आपने पूछा कि भाई कौन कौन मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, फाइनेंस कमीशन में 5 बेसिक जो मेन मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स की एक पूरी टीम होती है जो फाइनेंस कमीशन का होल एंड सोल देखती है। जो उनका हेड होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड इन द सेंस कि भाई जितने भी ड्यूटीज़ या जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है या जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स या पॉइंट्स डालने हैं वो सारा, या चाहे तो प्रेसिडेंट उसको चेंज भी कर सकता है, तो वो सारा काम जो है वो प्रेसिडेंट देखता है। उनके अलावा 5 मेंबर्स होते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन में। सबसे पहले जो फाइनेंस कमीशन में जो सबसे फर्स्ट मेंबर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन के, ओके। फाइनेंस कमीशन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो चेयरमैन होते हैं और बाकी के जो 4 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। इवन दो जो चेयरमैन होता है वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग 4 मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ कमिटी, उनको कमिटी मेंबर्स कहते हैं एंड दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। नाउ बजट नहीं सर, इनका मोटिव बजट तैयार करना नहीं होता है, इनका मोटिव होता है अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अलोकेशन मींस कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। नो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है इन टर्म्स ऑफ मनी है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब ही मनी होता है, राइट। तो अब हमारे पास कितना मनी इकट्ठा है आज की डेट में हमारी कंट्री में, तो हम उसके हिसाब से जो ये 5 मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई राजस्थान को इतना चाहिए, जम्मू कश्मीर को इतना चाहिए, सेंटर की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है जो कैपिटल है उसको कितना चाहिए, जो दूसरी यूनियन टेरिटरीज है जैसे लेह लद्दाख है वहाँ पर वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के लिए, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये उनका काम होता है जो फाइनेंस कमीशन के मेम्बर्स होते हैं कि वो अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसको अलोकेट करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से
उन जो 5 मेंबर्स होते हैं उनको रीअपॉइंट भी कर सकता है। रीअपॉइंट मीन्स कि अगर 5 इयर्स का जो टर्म पीरियड है, हमको पता है कि भाई बेसिक जो टर्म पीरियड होता है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो 5 इयर्स तक का होता है, या किसी भी गवर्नमेंट का, अगर हम एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सपोज हम लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, सो हमारा जितने भी मेंबर्स होंगे बीजेपी के थ्रू सिलेक्ट किए हुए वो 5 इयर्स के टर्म पीरियड तक काम करेंगे। लेकिन जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपने मर्जी से उनको हटा सकता है, अपनी मर्जी से उनको रीअपॉइंट भी कर सकता है जब उनका टर्म पीरियड ख़त्म हो जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा और ज़रूरत है, उन्होंने अच्छा काम किया है या फिर इन्होंने संभाला है अच्छे से हमारी कंट्री के फाइनेंस कमीशन को, तो वो उनको उनकी नीड्स के हिसाब से रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। सर सर कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ही करता है कैबिनेट की। हाँ बिल्कुल सर, जो एडवाइस, क्योंकि वो पूरा कमेटी बैठती है, एक पर्सन अकेला जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसाइड नहीं करता है कि भाई अब एक ऑफिस में बैठ गया प्रेसिडेंट और उसने इंटरव्यू ले लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट जो लोग होते हैं, कमेटी के जो लोग होते हैं वो सारे होते हैं, लेकिन जो लास्ट डिसीजन जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट का होता है। जी उनमें से, हाँ बिल्कुल, तो जो कैबिनेट जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो उनको, वो अपनी तरफ से लिस्ट देते हैं कि भाई हमने ये लोग रेकमेंड किए हैं। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उन लोगों में से किन को सिलेक्ट करे, वो प्रेसिडेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उसकी वो ड्यूटी होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए कि भाई आप एक फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सको या फिर एक फाइनेंस कमीशन के आप चेयरमैन बन सको। तो सबसे पहली हमको क्वालिफिकेशन ये चाहिए होगी कि जो चेयरमैन होता है हमारे फाइनेंस कमीशन का, वो जो है वो एक एक्सपर्टीज़ होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स मींस कि भाई एक वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो कि भाई कंट्री में क्या हो रहा है, कंट्री में कितने एडवांटेजेस, कितने डिसएडवांटेजेस हैं इस मॉनेटरी फर्म्स के, या फिर जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा स्पेसिफिक स्टेट, स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी या फिर सेंटर के ऊपर। सो ये सारा अगर किसी एक पर्सन को पता होता है, नॉलेज होती है, तो वो पब्लिक अफेयर्स का एक्सपर्टीज़ माना जाता है। तो वो जो पर्सन होता है वो आप चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं तो हम जाके चेयरमैन के लिए खड़े हो सकते हैं कि भाई हमको तो सारी पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज है या जो भी है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को सर्व कर रहा हो और वो 65 या 60 अबव हो एज का, तो ही वो चेयरमैन की पोजीशन के लिए या चेयरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड वो किसी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर किसी रेप्यूटेटेड फर्म में या फिर किसी फील्ड में उसने कुछ योगदान दिया हो, जैसे उसने इकोनॉमिक्स की फील्ड में कुछ किया हो, या फिर उसने आर्ट्स या लिटरेचर की फील्ड में उसने कुछ किया हो, या फिर जैसे वो कोई हाई कोर्ट का जज है, या फिर वो आरबीआई का स्पेसिफिक गवर्नर है, या फिर कोई भी एक बड़ा पर्सन है, तो वो जो है वो चेयरमैन की पोस्ट के लिए अपॉइंट हो सकता है या जो प्रेसिडेंट है उसको अपॉइंट कर सकता है। जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं टू बी अ पर्सन और टू बी अ कमिटी मेंबर। सबसे फर्स्ट, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस हैं दूसरी वो हो सकती हैं कि भाई या तो वो हाई कोर्ट जज हो, वो काफ़ी सालों से, सपोज राजस्थान के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो काफ़ी सालों से हाई कोर्ट जज हैं, तो वो जब आफ्टर रिटायरमेंट या फिर वो नहीं चाहते कि अब वो जज का काम करें, तो वो फाइनेंस कमीशन के कमिटी मेंबर्स के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करवा सकते हैं। वो उस पोस्ट के लिए अपना नाम दे सकते हैं कि भाई रेकमेंड कर सकते हैं अपने आप को कि भाई मैं एज अ कमेटी मेंबर, फाइनेंस कमेटी मेंबर बनना चाहता हूं, तो प्रेसिडेंट उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको अपॉइंट करते हैं। सेकंड थिंग कि वो पर्सन जो है उसको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इन द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट के फाइनेंस और उसके जो अकाउंट्स हैं
उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस पर्सन को, प्रॉपर नॉलेज फाइनेंस और अकाउंट्स की मीन्स कि भाई उस पर्सन को पता होना चाहिए कि भाई कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है अकाउंट्स में, इन द सेंस कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। कंट्री की अगर हम बात करें, अकाउंट्स आए गए आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट अकाउंट्स में होता है कि भाई एक बैलेंस शीट होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक PNL अकाउंट होता है, फिर फाइनल अकाउंट बनता है। उसमें क्या होता है कि भाई इस साल कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हमने किसको कितना मनी दिया, हमने किसको कितना कैश दिया, कितने असेट्स, कितने लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अकाउंट्स में हम देखते हैं। तो वो जो पर्सन है उसको कंट्री, अगर हम कंट्री की एज अ कंट्री की बात करें तो उस पर्सन को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई जो हमारी कंट्री है उसमें कितना अकाउंट्स का कितना है या कितना फाइनेंस है, कि भाई मनी फ्लो कितना कर रहा है, मनी फ्लो इन द सेंस कि कितना पैसा हमारा आ रहा है कंट्री में। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, फॉरेन ट्रेड कितना हो रहा है हमारा। फॉरेन ट्रेड मीन्स कि भाई हम बाहर की कंट्रीज से कितना हम बिजनेस कर रहे हैं, कितना सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। सो उन सब की नॉलेज उस पर्सन को होनी चाहिए, तो वो एज अ कमिटी मेंबर, फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। थर्ड, डाइवर्जेंट एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। नाउ डाइवर्जेंट एक्सपीरियंस मीन्स कि उसको बहुत सारा और यू नो पूरी अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। फाइनेंशियल मैटर्स मींस कि भाई उसको पता होना चाहिए कि भाई कब कहाँ कैसे कितना मनी फ्लो करवाना है कंट्री में, कब कहाँ कैसे किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को या किस सेंटर को कितना अमाउंट देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स मींस कि भाई उसको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन जो है किसकी गवर्नमेंट चल रही है, या कौन पर्सन किस पोजीशन पे है, या वो किस हिसाब से काम कर रहा है, वो पर्सन अपने हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जब एक पर्सन को नॉलेज होती है, डाइवर्जेंट एक्सपीरियंस, डाइवर्जेंट का मतलब होता है बहुत सारा या फिर स्किल्स खूब सारी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है ना। फोर्थ थिंग इज़ कि भाई वो जो पर्सन है उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मतलब कि हमारी कंट्री की क्या इकोनॉमी चल रही है, हमारा जीडीपी कितना जा रहा है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, ये सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है एक पर्सन को होनी चाहिए, तो ही वो एक फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। एंड प्लस जो मैंने आपको बताया, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो गवर्नमेंट को सर्व करता हो, वो एक सीनियर पोजीशन पर हो, या फिर वो उसने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में कुछ अचीव किया हो, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, इकोनॉमिक्स, किसी भी फील्ड में उसने एक पोजीशन अचीव करी हो, तो वो पर्सन जो है फाइनेंस कमीशन के लिए अप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्वालिफिकेशंस हो गई कि भाई हम जो मेंबर्स हैं कमेटी के, फाइनेंस कमीशन के, उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो चेयरमैन होता है हम उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इट इज सेइंग फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब क्या फंक्शंस होते हैं, अब क्या काम करता है फाइनेंस कमीशन। हमने फाइनेंस कमीशन देख लिया, हमने मेंबर्स देख लिए, हमको ये भी पता है कि भाई फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, हमने ये भी देख लिया कि भाई कैसे बनाया, क्यों बनाया, एक्स वाई जेड। अब हमने ये देखना है कि क्या वो काम करेगा। अब हमने इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई है, इतनी बड़ी बॉडी बनाई है, बट वो इंस्टीट्यूशन क्या काम करेगा, उसके क्या फंक्शंस होंगे। सो द फर्स्ट फंक्शन, ओके, अब ये जो फंक्शंस हैं ये भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही डिसाइड किए जाते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उन फंक्शंस को चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको अपग्रेड कर सकता है। ये सारी जो राइट या ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा जो अधिकार है, ये प्रेसिडेंट के पास होता है कंट्री के। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन की ये होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो रेकमेंड कर सकता है, रेकमेंड मतलब वो सुझाव दे सकता है इस चीज़ के लिए कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स क्या होती है यहाँ पे, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस मतलब कि अगर हमने टैक्स कलेक्ट किया है कहीं से, तो उन टैक्स के बाद हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, टैक्स लगवा लिया, ये कर दिया, GST, सर्विस टैक्स, VAT, एक्सेट्रा, एक्साइज ड्यूटी, सब कुछ लगवा लिया हमने, सब कुछ हमारे पास आ गया। अब हमने एक फ़ंड बनाया जिसको हम कंसोलिडेटेड फ़ंड बोलते हैं कंट्री का। उस फंड में से
अब कितनी हमने जो नेट प्रोसीड्स, कितना अमाउंट है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट को और कितना अमाउंट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर को, तो ये चीज़ जो है रेकमेंड करने का, सुझाव देने का काम प्रेसिडेंट करता है कि भाई आप फाइनेंस कमीशन का ये एक फर्स्ट फंक्शन है कि भाई प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा कि भाई राजस्थान को हमने 50 लाख रुपीज़ देने हैं या फिर हमने उत्तर प्रदेश को हमने 60 लाख रुपीज़ देने हैं अपना जो भी काम करना है उनके लिए या जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके लिए। तो जितना नेट प्रोसीड्स होगा टैक्सेस का, जितना भी अमाउंट हमने टैक्स कलेक्ट करके इकट्ठा किया है उस अमाउंट में से हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, एंड अलोंग विद द इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है? इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन मींस के स्टेट के अंदर अंदर ही। अब सपोज हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में अब इंटरस्टेट कैसे होगा कि भाई अब गवर्नमेंट ने राजस्थान को नेट प्रोसीड्स दी, अमाउंट दिया 50 लाख रुपीज़ का सपोज। अब 50 लाख रुपीज़ वो जोधपुर डिवीज़न में किस तरीके से बांटेगा, जयपुर डिवीज़न में वो किस तरीके से बांटेगा, अजमेर डिवीज़न में वो किस तरीके से बांटेगा, वो चीज़ हो गई इंटर स्टेट। और इंट्रा स्टेट क्या हो जाता है? इंट्रा स्टेट मीन्स वन स्टेट टू अनदर। मतलब राजस्थान से हम उत्तर प्रदेश को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 50 लाख रुपीज़ जो है गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये टू स्टेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राजस्थान को और एक उत्तर प्रदेश को या फिर हरियाणा को, तो वो हो जाएगा हमारा इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? स्टेट के अंदर अंदर ही रहकर पर्टिकुलर एरियाज या पर्टिकुलर, सॉरी नहीं सर, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के अंदर अंदर ही, एंड इंट्रा मतलब स्टेट के बाहर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो हम इंटर, इंटर मतलब अंदर एंड इंट्रा मतलब बाहर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं सर, इंटर मतलब अंदर होता है एंड इंट्रा मतलब बाहर होता है। हाँ तो वो इंटरनेशनल हो गया। हाँ, और अगर हम दो देशों के बीच में, हाँ इंटर सिटी, वो मैं समझ गई। अब जैसे इंटर सिटी चलती है तो सर वो सिटी के अंदर ही चलती है, वो एक सिटी से दूसरी सिटी ही, वो अपने राजस्थान के अंदर अंदर ही चलती है, राइट। बट ठीक है, चलो अगर आप बोलते हो तो इंटर स्टेट कर लेते हैं अपन, नो इश्यूज। ठीक है, इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी हम ओके, वन मिनट, ओके, विद टू स्टेट्स, ओके। मैडम इंटर, मैम जैसे एक एग्जांपल है, हाँ जी, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, हाँ, इंट्रा डे ट्रेडिंग का मतलब होता है विद इन स्टेट, विद इन, हाँ बिल्कुल, इंटर स्टेट होता है दो अलग अलग दिनों, अलग सिटीज के बीच में, विद इन द सिटी, ठीक है। चलो तो इंटरस्टेट, यहाँ पे इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि भाई दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि भाई जो फाइनेंस कमीशन है वो रेकमेंड कर सकता है कि भाई कितने ग्रांट्स इन एड्स, ग्रांट्स इन एड्स मतलब कितने हम ग्रांट्स जो हैं, ग्रांट्स का मतलब यहाँ पे होता है कितना हम डोनेशन दे रहे हैं या कितना चीज़ें हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बिना किसी चार्जेस लिए या बिना किसी इन रिटर्न सोचे। तो अब सपोज़ कहीं नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या कोई जो स्टेट है हमारा वो फाइनेंशियली वीक है या फिर वो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे, तो हम कितने ग्रांट्स इन एड दे रहे हैं उन स्टेट्स को या उस सेंट्रल स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज़ को, वो काम भी रिकमेंड करने का या वो काम बताने का भी हमारे फाइनेंस कमीशन का ही होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई जितनी भी सप्लाई हो रही है फंड्स की, वो जो सप्लाई है फंड्स की वो पंचायत कमिटीज़ को और जो लोकल बॉडीज़ है उस स्टेट की या उस सिटी की, उसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन दो चीज़ों में, वो भी जो फाइनेंस कमीशन है डिसाइड करेगा या फिर जो फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का होगा। मींस अगर राजस्थान में अगर उसने पैसा दिया है तो कितना पैसा जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको जाएगा एंड कितना पैसा जो पंचायत समिति हैं या जो पंचायत कमिटीज़ हैं उनको जाएगा, बिकॉज उनको भी अपना वेलफेयर देखना है एंड जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी अपना वेलफेयर देखना है। नेक्स्ट फंक्शन होता है उसका
ओके एंड जो फाइनेंस कमीशन होता है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी मर्जी से या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो चेंज कर सकता है कि भाई लोकल अथॉरिटीज़ को हम ज़्यादा दे रहे हैं, पंचायत समिति को हम कम दे रहे हैं, या फिर उसके अपोजिट कर सकता है कि हम पंचायत समितीज़ को ज़्यादा दे रहे हैं या फिर हम लोकल अथॉरिटीज़ को कम दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी मर्ज़ी से अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो उस चीज़ को चेंज कर सकता है। ये भी एक फाइनेंस कमीशन का फंक्शन होता है। ओके अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमने पढ़ा था कि भाई 2000 ऑनवर्ड्स के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5 ईयर्स जो फाइनेंस कमीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले उन्होंने 12th फाइनेंस कमीशन बनाया, फिर 13, 14 एंड 15 जो अभी रिसेंटली चल रहा है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो हमें क्या बताता है कि जो उसका टाइम पीरियड है वो 21-22 से लेकर 25-26 तक है। 2025-26 तक ये जो 5 ईयर्स का जो फाइनेंस कमीशन है ये अभी चलेगा हमारी कंट्री में या फिर जो अभी चल रहा है। अब उसके क्या क्या मेजर्स हैं या फिर उसके क्या क्या फीचर्स हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी चेंज करी है गवर्नमेंट ने पिछले 4 ईयर्स फाइनेंस कमीशन के कंपेरिजन में इस वाले 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर। क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंज करी हैं? एक तो वर्क सर, गवर्नमेंट बदलती है तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अगर किस हिसाब से फाइनेंस कमीशन वर्क कर रहा है। अगर फाइनेंस कमीशन हमारे अच्छे के लिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वर्क कर रहा है तो जो फाइनेंस कमीशन है जो मेंबर्स हैं वो नहीं बदलते। अगर जो अपकमिंग गवर्नमेंट है या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उनको अगर ऐसा लगता है कि भाई फाइनेंस कमीशन ने हमारे कंट्री के लिए नहीं किया है चीज़ें, तो वो चेंज कर देती हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो मेंबर्स जो हैं वो भी चेंज होते हैं। इसलिए हमने 5 ईयर्स का सिस्टम रखा, क्योंकि पहले ऐसा होता था 2000 के पहले कि भाई फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स चेंज नहीं होते थे, जो रहते थे वो वही रहते थे। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो काफ़ी सालों तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। 1991 में जब हमको क्राइसिस हुआ था उस टाइम पर वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उसके बाद उन्होंने 92 के बाद जो उन्होंने 73rd अमेंडमेंट किया, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अब हम हर 5 ईयर्स के बाद हमारी फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं वो हम चेंज करते रहेंगे। क्योंकि अगर एक ही पर्सन होता है तो उसके पास आइडियाज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। जो नए पर्सनस आते हैं या जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके पास वो न्यू आइडियाज़ होते हैं, या फिर जो यंग जनरेशन आती है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो न्यू आइडियाज़ या न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ लेकर आते हैं। तो इसीलिए हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो टाइम टू टाइम हर 5 ईयर्स के बाद चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन जो हमारी कंट्री में अभी एट प्रेजेंट चल रहा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं या फिर उसने किन किन चीज़ों में काम करना है। एक तो टैक्स डिवॉल्यूशन मींस कि भाई कितना हमारा टैक्स लगेगा। टैक्स उन्होंने कम किया है काफ़ी सारे एरियाज़ में, पैंडमिक के बाद तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। हमने ये देखा कि भाई काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी स्टेट्स में जो टैक्स है वो कम हो चुका है। एक तो टैक्स डिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से जो कमीशन है उन्होंने ये बोला कि भाई अब हम लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स मींस कि भाई जो लोकल अथॉरिटीज़ है हम उनको अपनी तरफ से ग्रांट्स देंगे कि भाई आप अपने पर्टिकुलर सिटी या आप अपने पर्टिकुलर एरिया को का वेलफेयर कर सको। और नेचुरल डिज़ास्टर एड्स का भी जो ग्रांट्स होता है वो भी हम देंगे। नेचुरल डिज़ास्टर्स मतलब कि कोई नेचुरल कलामिटी, अर्थक्वेक, सुनामी, एसेक्ट्रा कुछ भी हो गया तो उसके हिसाब से उसके ऊपर भी हम जो कमीशन ने डिसाइड किया है कि अब जो नेक्स्ट 5 ईयर जो प्लान चल रहा है उसके हिसाब से हम आपको नेचुरल कलामिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी हम ग्रांट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सेकेंड इसने क्या बोला, एग्जामिन एंड रिकमेंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स ऑफ स्टेट फॉर स्टेट्स इन मैनी नेसेसरी एरियाज़। अब ये क्या देखेगा, ये एग्जामिन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनेंस कमीशन है वो पहले एनालाइज करेगा चीज़ों को कि भाई जो लोग बाग हैं वो इंसेंटिव्स कित स्टेट्स में, इंसेंटिव्स मतलब कि ये जो ग्रांट्स हैं, ये जो मॉनेटरी टर्म्स हैं कितने स्टेट्स में दिए जाने चाहिए किन किन लोगों को, डिपेंड्स अपॉन कि जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। अब सपोज़ हमारे राजस्थान में ऐसे बहुत सारी मतलब विलेजेस हैं या छोटे शहर हैं जहाँ पे इतनी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर अगर हम
हिली एरियाज़ की बात करें वहाँ पर भी इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या पावर प्लांट्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि पहले हम चीज़ को एनालाइज करेंगे, हम उस चीज़ को एग्जामिन, हम उस चीज़ को देखेंगे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर हम उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर सेक्टर को हम ग्रांट्स उसके हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया या फिर अडॉप्शन ऑफ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे पैंडमिक के बाद एक न्यू पॉलिसी स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी। इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मीन्स कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी आप एक अथॉरिटी हो, आप लोकल अथॉरिटी हो, और अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिना किसी मीडिएटर के या बिना किसी और को उस पर रिकमेंडेशंस पे। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि भाई हमें इतने फंड्स की ज़रूरत है, तो वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वो आपके अकाउंट में कर देते हैं। पैंडमिक के बाद ये जो हमने पॉलिसी है ये स्टार्ट करी है, क्योंकि बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने बोला हम ये स्टार्ट करेंगे। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कि भाई जो सॉलिड चीज़ों का जो वेस्ट हो रहा है उस चीज़ को हम मैनेज करें। सॉलिड चीज़ों का वेस्ट मीन्स कि भाई यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं अननेसेसरी, यहाँ पे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, सो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करके गवर्नमेंट जो है उन पर्टिकुलर सेक्टर्स या उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में अपने हिसाब से रेकमेंड करेगी कि भाई किसको कितने इंसेंटिव्स या किसको कितने ग्रांट्स या अमाउंट है वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट ईयर बोल रहा है द 15th फाइनेंशियल कमीशन वॉज आस्ट टू एग्जामिन द नीड फॉर सेटिंग अप अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर फंडिंग डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया। नाउ जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने ये भी बोला कि हमको एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिविजुअल कमीशन बनाना है जिसमें हम जो डिफेंस सेक्टर है और जो इंटरनल सिक्योरिटी सेक्टर है इंडिया का, उसको हम फंड्स प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया में जो डिफेंस के लिए उन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो नेवल ऑफिसर्स हैं या जो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनको इतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है या उनके लिए चीज़ें ईजी नहीं होती हैं, तो उनको फ़ंड्स प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ है, जो पुलिस हैं, जो CPRF हैं, ये जितने भी आर्मी ऑफिसर्स जितने भी हैं जो हमारे कंट्री के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उन सब के वेलफेयर के लिए हम एक सेपरेट और अलग से एक बॉडी बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसमें हम वो फंड्स इकट्ठा करेंगे और वो फंड सिर्फ हमारे डिफेंस सिक्योरिटी को ही जाएगा। तो ये सारे कुछ फीचर्स है जो फाइनेंस कमीशन, जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने हमारी कंट्री के लिए बताई है। नाउ ये तो हमारा फाइनेंस कमीशन हो गया कि भाई हमने फाइनेंस कमीशन देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 280 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये एस्टैब्लिश हुई है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मीन्स कि भाई कोर्ट की तरह ही होती है बट इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट से थोड़ा सा अलग होती है। 5 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, एक चेयरमैन होता है और 4 जो अलग मेंबर्स होते हैं वो कमीशन मेंबर्स या कमेटी मेंबर्स होते हैं। जो इसका हेड होता है फाइनेंस कमीशन का वो प्रेसिडेंट होता है, कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो होल एंड सोल होता है। वो प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी मर्जी से उनको जो मेंबर्स ऑफ कमेटी हैं या फिर जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के उसको हटा सकता है या फिर उसको रीअपॉइंट कर सकता है। ओके एंड फंक्शंस हमने देखे फाइनेंस कमीशन के कि वो अपनी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है कितने ग्रांट्स, कितने मॉनेटरी फंड्स या कितनी एड्स जो हैं हमने यूनियन में, स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरीज़ या सेंटर्स को देने हैं, या फिर कौन कौन कितने अमाउंट है जो एक स्टेट या दूसरे स्टेट को पर्टिकुलर देने हैं, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट में से दो स्टेट को डिवाइड करके देना है अमाउंट। तो ये सारे फंक्शंस हमारे फाइनेंस कमीशन के हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं, फाइनेंस रिलेशन, सेंटर स्टेट फाइनेंस के भाई सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंस रिलेशन मतलब मनी के टर्म्स में जितने भी रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड एलाबोरेटेड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एज वेल एज द नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड द पावर ऑफ बोरोइंग सप्लीमेंटेड
by provisions of grants in by the union to the states. क्या बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक elaborate provisions means एक बहुत बड़ा सा provision बनाया है जिसमें उसने ये बताया है कि आप distribution कर सकते हो, distribute कर सकते हो जितने भी tax revenues हैं. यहाँ पर tax revenues means कि भाई taxes से जितना भी हमको profit हुआ है वो, और non-tax revenue tax के अलावा जितने भी source of income है उससे हमको कितना profit हुआ है वो सारा प्रॉफिट हम किस तरीके से बांट सकते हैं हमारे स्टेट और हमारे सेंटर में या फिर हमारे यूनियन में. ये बोल रहा है कि उसने ये भी प्रोविजंस दिए हैं कि वो कितने ग्रांट्स इन एड्स, कितने ग्रांट्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकता है एक स्टेट और एक सेंटर के बीच में. अब ये जो आर्टिकल है 268 से 293 के अंदर ये चीज़ बताई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 268 से लेकर 293 आर्टिकल्स में उन्होंने फाइनेंस रिलेशन बताया है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. नाउ क्या बोलता है, जो पार्लियामेंट है उसके पास एक एक्सक्लूसिव पावर होती है, एक अच्छी खासी पावर होती है पार्लियामेंट के पास कि वो लेवी कर सके. नाउ लेवी मींस लगाना, लेवी मींस लगाना, लेवी टैक्सेस आपने सुना होगा, लेवी टैक्सेस, लेवाई टैक्सेस या फिर लेवी टैक्सेस, तो मतलब टैक्स लगाना. पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो चाहे तो किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी यूनियन के अंदर जो भी लिस्ट होती है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट होती है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो उन लिस्ट के अंदर किसी भी यूनियन टेरिटरी में, स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज में अपने हिसाब से टैक्सेस लगा सकती है. एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होता है जिसको हम विधान परिषद या विधानसभा भी बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसके पास ये पूरी पावर होती है कि वो टैक्स लगा सकता है जितने भी स्टेट लिस्ट हैं उसके पास, जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री की, वो जो स्टेट लेजिस्लेचर, स्पेसिफिक स्टेट का जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने हिसाब से उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में टैक्सेस लगा सकते हैं. जो हमारा GST है वो तो यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल मीन्स कि भाई वो हमारे कंट्री सारी के लिए एक जैसा ही लगता है. 18% है, 28% है और 5%, ये तीन टैक्स रेट्स होती हैं हमारी GST की, हमको पता है, राइट. GST के अलावा जितने भी दूसरे टैक्सेस होते हैं, जो इनकम जनरेटेड टैक्सेस होते हैं, जो इनकम टैक्स होते हैं जिसके थ्रू हम इनकम देते हैं, जब हमारी कोई स्पेसिफिक इनकम होती है उसके ऊपर जो हम सारे टैक्सेस लगाते हैं, ये जो सारे टैक्सेस होते हैं ये पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि वो यूनियन टेरेटरीज में लगा सके, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट होता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट में टैक्सेस लगा सके. सब्जेक्ट्स जो होंगे, सब्जेक्ट्स के, सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि भाई सर्विस टैक्स हम कितना लगा रहे हैं, या फिर हम एंटरटेनमेंट टैक्स कितना लगा रहे हैं, या फिर जो एजुकेशनल टैक्स है हम वो कितना लगा रहे हैं, या फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड, कोई भी, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे यूनियन टेरेटरीज में, हमारे स्टेट्स में, सर्विस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, वैट हो गया, GST हो गया, इन सब चीज़ों के हिसाब से, इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर सब टॉपिक्स होते हैं हमारे पर, एक लिस्ट होती है इन सारे सब्जेक्ट्स की, उसके ऊपर जो पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आप कितने टैक्स लगा सकते हो. लेकिन जो इनकी टैक्स रेट है वो जो दी गई टैक्स रेट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है. लेकिन जो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट सेट करी है कि भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, अब जैसे फाइनेंस टैक्स, अगर हम इनकम टैक्स अगर हम सपोज करें, तो इनकम टैक्स हमको पता है कि भाई अगर 5 लाख से अबव हमारी इनकम होती है तो हमको 3% या 5% टू इनकम टैक्स हमको देना पड़ता है. तो अब गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर है या जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो 3% कर सकती है, वो चाहे तो 4% कर सकती है, या वो चाहे तो 5% कर सकती है, लेकिन 5% से ऊपर वो नहीं बढ़ा सकती अप टू द इनकम ऑफ 5 लाख्स. 5 लाख्स से 10 to 15 लाख्स हो गई तो हमको 12% ट्वेल्व परसेंट इनकम टैक्स देना पड़ता है. तो उसके हिसाब से अलग अलग इनकम्स के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से टैक्स रेट जो है हमने बना रखी है, और उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, उसके नीचे आप डेफिनेटली दे सकते हो या उसके बराबर आप डेफिनेटली टैक्स ले सकते हो. ठीक है,
नहीं सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं वो एज अ कंट्री एज अ होल पे लगाए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन वो उसको कम ज़रूर कर सकती है या फिर वो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। जैसे हम जीएसटी की बात करें तो 28% जो है हाईएस्ट रेट टैक्स है जीएसटी का, तो उसमें क्या होता है आईजीएसटी, आपने सुना होगा कि आईजीएसटी होता है। अब जब क्या होता है एक 18% और 18% टू पार्ट्स में वो जो टैक्स है 28% का वो डिवाइड हो जाता है। अब हम 28% से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो हम 18 के दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जो नॉर्मल पब्लिक है, जो कॉमन पीपल्स हैं, उनको इतना प्रेशर ना पड़े कि एक साथ वो 28% टैक्स ना देते हुए 18 और 18 दो पार्ट्स में वो डिवाइड करके जब वो टैक्स देंगे तो उनके लिए थोड़ा सा वो चीज़ कन्वीनियंट हो जाएगी। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स है तो पूरी कंट्री में लगाती है, तो हम कंट्री से बाहर तो आते नहीं हैं, हम कंट्री के अंदर ही आते हैं जो भी स्टेट्स होती है, तो वो स्टेट्स उन टैक्स रेट्स को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन उनको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई ज़रूर कर सकती है। जैसे अगर 28% जीएसटी लगाया है किसी भी, हाईएस्ट रेट है 28%, जो गोल्ड होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हैं, जो आप महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हो, उन सब की जो रेट होती है वो 28% जीएसटी होती है। आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है जब आप गोल्ड खरीदते हो। अब हमारे राजस्थान में हमने 18% और 18% दो टैक्स रेट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है कि भाई अब आपको जो डबल टैक्स रेट होती है ना जीएसटी ने, वो इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म किया है कि भाई आपको दो बार टैक्स ना भरना पड़े। अब राजस्थान से आप सामान लेकर कोई दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो राजस्थान में भी आपने टैक्स दिया, प्लस फिर पहले जीएसटी से पहले ये था कि आपने राजस्थान में टैक्स दिया, फिर उसके बाद जब उस सामान को आप दूसरी स्टेट लेके गए वहाँ पर भी जाके आपने उस चीज़ का टैक्स दिया। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया कि भाई यहाँ पर आप 18% टैक्स दो, तो आप जब दूसरी स्टेट में जाओगे तो उस ही चीज़ का आपको सेम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे राजस्थान में ही है और हमने वहीं से ही हम पहले ही अपना टैक्स रेट डिडक्ट करके उस चीज़ को या उस पर्टिकुलर सामान को हम लेके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हम जो हमारी टैक्स रेट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जो टैक्स रेट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हमारी लिस्ट में दे रखे होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से उस पर लगा सकती है, लेकिन जो रेजिड्यूरी पावर्स होती है, रेजिड्यूरी पावर्स मीन्स कि जो मेन पावर्स होती हैं, जो मेन पावर्स होती हैं वो पार्लियामेंट के पास ही होती हैं। जो पार्लियामेंट होता है वही हमारी कंट्री का हेड होता है, जो मेन पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास होती हैं कि भाई वो किस तरीके से हमारे जो टैक्स रेट्स हैं उसको चेंज कर सकता है। जैसे सर ने बोला कि भाई सेंटर ने अगर टैक्स लगाया तो वो स्टेट उसको चेंज नहीं कर सकता, एग्जैक्टली। तो जो पार्लियामेंट ने जो टैक्स रेट डिसाइड करी है, जो लास्ट एंड फाइनल या जो मेन पावर होती है वो हमारी पार्लियामेंट के पास होती है। अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि कोई स्टेट एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है अपने सिटीजन से, या फिर कोई स्टेट है जो अननेसेसरी टैक्सेस या सर्विस टैक्स या वैट जो कुछ भी है वो एक्स्ट्रा ले रहा है, या जहाँ चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिस टैक्स रेट्स की वहाँ पर भी वो टैक्स रेट्स चल रही हैं, तो जो पार्लियामेंट है उस टैक्स रेट्स को डीमोलिश कर सकता है। डीमोलिश मतलब उसको ख़त्म कर सकता है। जी जी बिल्कुल। ज़्यादा सर, क्योंकि राजस्थान में जो हमारी पेट्रोलियम है वो कम है, राइट? हाँ, पार्लियामेंट जो है वो कम कर सकती है, जो चीज़ स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। पावर है सर, बिल्कुल पावर है, लेकिन जो चीज़ कम है, स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, पेट्रोलियम हो गया, ये ऑयल हो गया, या फिर डीज़ल हमारे पास खूब है। डीज़ल पे आपको पता है कम टैक्स लगता है, लेकिन डीज़ल कोई यूज़ नहीं करता है। जो पेट्रोलियम, जो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं सर, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम उसको कम यूज़ कर सकें, राइट? पंजाब के कंपैरिजन में बिल्कुल वो थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है। आप कह रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपार्ट, वो कर सकती है, कर सकती है वो बिल्कुल। अलग-अलग रेट्स, अलग-अलग टैक्स रेट्स हैं जो, तो वो अपने पार्ट को तो कर सकती है मानते हैं, लेकिन स्टेट वाले को आप कह रहे हो कर सकती है, तो वो कैसे कर सकती? वो क्यों नहीं कर सकती? हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट
को कम क्यों नहीं करवा सकती, क्योंकि जब तक जो स्टेट का जो हेड है, जो सीएम होता है स्टेट का, जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा या जब तक वो रेकमेंड नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन या कोई चीज़ नहीं लेगी। राइट, ओवरऑल जो पावर होती है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, राइट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनल कंडीशंस होती है उस तक आने का वेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कभी कुछ डिसीजंस नहीं लेती, आपको ये भी पता है। हाँ, वो स्टेट के पास पावर्स होती है। राजस्थान जो है रेडी नहीं हुआ, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स होती है जो हेड्स होते हैं स्टेट्स के, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इतने टैक्स पे जीएसटी नहीं लगवाएंगे, या फिर हम इतने अमाउंट पे हमारा ये वाला टैक्स है, इतनी रेट पर हम टैक्स नहीं देंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो होल एंड सोल जो लास्ट पोजिशन, जो लास्ट पावर्स होती है, वो तो ऑब्वियसली बात है स्टेट के पास होती होती है, सॉरी सेंटर के पास होती होती है। लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको थोड़ी बहुत लिमिटेशंस, थोड़ी बहुत फ्रीडम दे देती है कि भाई आप अपने हिसाब से, थोड़ा सा अपने हिसाब से, आप अपनी स्टेट्स के वेलफेयर के लिए अगर आप कोई डिसीजंस ले रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत छूट है उस चीज़ में। लेकिन वो जो चीज़ है वो कभी ओवर द लिमिट नहीं जानी चाहिए। वो चीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बताती है, उनको वो सारे यू नो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करके उनको बताती है कि आपको छूट है, आप टैक्स रेट्स लगाओ, आपको ज़्यादा टैक्स रेट नहीं देनी है, कोई बात नहीं। या फिर राजस्थान में पेट्रोलियम का जो टैक्स रेट्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने लगा रखा है जो टैक्स रेट है ज़्यादा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको छूट दे रखी है कि भाई इस स्पेसिफिक लिमिटेड पॉइंट तक, जब तक बहुत ज़्यादा यू नो लोगों को परेशानी नहीं हो जाती, तब तक ही आपके पास अधिकार है अपनी मर्जी से टैक्सेस लगाने का। लेकिन जब एक स्पेसिफिक पॉइंट आने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, या फिर राजस्थान की जो फाइनेंशियल स्टेट्स है, या जो राजस्थान का GDP है वो ख़राब होने लगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने हाथ में पावर्स दे सकती है। और अभी आपको पता है कि राजस्थान का जो GDP है अभी 2020 के बाद सबसे ऊपर है, और कंपैरेटिवली जितने भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री की, उनकी उन सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो राजस्थान का GDP है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर चल रहा है एट प्रेजेंट में। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती है राजस्थान की स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट को कि वो आप पेट्रोलियम के जो प्राइजेज़ हैं वो कम करो, पंजाब का जो पेट्रोलियम प्राइजेज़ है वो कम है, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका, वहाँ का GDP कम है पंजाब का, इसीलिए। जी, अभी जो पैंडमिक के बाद जो सिचुएशन चल रही है, कोरोना के बाद जो भी अभी जो हालात चले हैं, अब हमने जो ये बजट बनाया है, जो 2022 का जो बजट आया है, उसमें जो राजस्थान ये कंक्लूड हुआ, उन्होंने ये एनालाइज किया कि जो राजस्थान की जो GDP है वो अभी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इनफैक्ट जो केरला की जो GDP है, ऐसा माना जाता है कि भाई केरला में यू नो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और एम्प्लॉयड लोग हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो राजस्थान की जो GDP है वो अभी सबसे ऊपर चल रही है। सर, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास पैंडमिक के टाइम पर, उसको हमने अच्छी तरीके से यूज़ किया। जो हमारे फंड्स थे, जितने भी फंड्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे, उन फंड्स को हमने अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट ना करके जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने उसी चीज़ पर लगाया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही होता है, बिल्कुल। राजस्थान बिल्कुल बैकवर्ड एरिया आता है। बैकवर्ड एरिया की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद, पैंडमिक के बाद ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड क्लासेस में चली गई थी। ऐसी कोई स्टेट नहीं थी, ऐसी कोई स्टेट नहीं थी। बिल्कुल। बिल्कुल, सेस लगाती है, एजुकेशन टेस्ट लगा, टैक्स लगाती है। बिल्कुल, लिबर्टी ऑफ स्टेट।
सर वो करती नहीं है, दखल अंदाजी क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है। हर चीज़ में जो सेंटर होगा वो पॉइंट आउट करेगा चीज़ों को कि आप इस चीज़ को ये चीज़ गलत है अगर आप उसको ले रहे हो तो। लेकिन अगर जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो अपने हिसाब से जो टैक्स लगा रही हैं, जो एजुकेशन टैक्स हो गया या जो सेस हो गया या फिर जो एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस वगैरह या जो भी है वो सारे जो टैक्स लगाती है उनको एक मैंने कहा ना उनको फ्रीडम मिलती है एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आकर, सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आकर ही जो स्टेट्स हैं उनको अपनी मर्जी से करने का फ्रीडम मिलता है। अगर स्टेट्स एज इट इज़ वही सारी चीज़ें करें जो सेंटर ने उनको बताई है, कॉपी पेस्ट करें, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट के जो लोग हैं वो जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सेंटर की बात नहीं मानेंगे कि हम आपकी क्यों माने, हमेशा हमेशा हमारा तो कोई सुनता नहीं है और हम सिर्फ सेंटर की सुनते रहे। तो सेंटर जो है उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट तक फ्रीडम देता है टैक्स रेट्स में या फिर मॉनिटरी फंड्स में कि आप अपने, हमने अपनी तरफ से आपको पैसे दे दिए, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस पैसों को किस तरीके से किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब जैसे उसने एक स्टेट में ज़्यादा दे दिया, एक स्टेट में या एक एरिया में कम दे दिया, एंड ऑफ द डे जब आते आते एक सिर्फ एक ही सिटी का या फिर एक ही एरिया का डेवलपमेंट होता जा रहा है और एक सिटी या एक एरिया जो है वो बैकवर्ड रीजन्स में जाता जा रहा है और एंड ऑफ द डे आते आते गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो गए या जो भी फैसिलिटीज़ है वो ख़त्म हो गई, तो वो जो दूसरी सिटी है या वो जो दूसरा एरिया है वो तो बैकवर्ड रह गया। अब फिर हम सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई सरकार ने इस यहाँ पे तो कुछ किया नहीं, यहाँ पे ये नहीं किया, यहाँ पे वो नहीं किया। उस पॉइंट तक जब सिचुएशन पहुँच जाती है तब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में डिसीजंस लेती है कि भाई अब तो हद हो गई है, अब हम अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीडम देती है कि आप अपने हिसाब से टैक्स लेवी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी मॉनेटरी फंड्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। ओके, फटाफट से देख लेते हैं। अब टैक्स रेवेन्यूज़, रेवेन्यूज़ हमने देखे कि भाई जो भी इनकम हुआ है या जो भी हमको प्रॉफिट आया है टैक्स से। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, अब ये जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से या किस तरीके से होते हैं। ड्यूटीज़ डिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। अब कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जो लगाई तो यूनियन के द्वारा जाती है, ड्यूटीज़ मतलब टैक्सेस। कुछ टैक्स रेट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू लगाए जाते हैं बट अप्रोप्रिएटेड एंड कलेक्टेड, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करना और उसको रखना अपने पास वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे कि ये जो जितने भी टैक्सेस होते हैं ये कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड्स मतलब कि भाई इंडिया ने जो एक इकट्ठा करा हुआ फंड बनाया है इंडिया के, कंट्री के वेलफेयर के लिए, ये जो टैक्सेस होते हैं उसका पार्ट नहीं होते हैं। जो ड्यूटीज, जो टैक्सेस सेंटर ने लगाई है लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट इकट्ठा करके और संभाल करके अपने पास स्टेट ने रखी है वो कंसोलिडेटेड फंड में वो पैसे नहीं आते हैं। वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पास उन टैक्सेस के जो अमाउंट है या जो रेवेन्यू है उसको रखती है। ओके, सॉरी, एनपीएस सेंटर जो है उसने ड्यूटीज़ लगाई हैं, उसने सिर्फ टैक्स रेट लगाई है लेकिन उस टैक्स को कलेक्ट करना, उसको इकट्ठा करना और उसके पास अपने पास रखने का काम स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, उसके पास ही रहेगा, स्टेट के पास रखेगी। सर्विस टैक्स, जैसे कि जो सर्विस टैक्स लगाते हैं, जो सर्विस टैक्स है वो जो है लगाया तो सेंट्रल ने है लेकिन उस सर्विस टैक्स को कलेक्ट करना और अपने पास रखने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। कुछ टैक्सेस हैं जो कलेक्टेड किए जाते हैं यूनियन के द्वारा, असाइंड एंड कलेक्टेड। असाइंड एंड कलेक्टेड मीन्स लगाए भी यूनियन के द्वारा जाते हैं और कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा किए जाते हैं लेकिन बाद में उनको देने का काम, उनको अप्रोप्रिएट रखने का काम, उसको देने का काम वो स्टेट का होता है। मीन्स भाई मैं अगर यूनियन हूँ तो मैंने टैक्स रेट लगाया और मैंने उसको कलेक्ट भी कर लिया, मैंने टैक्स लगाया भी और मैंने उसको कलेक्ट कर लिया लेकिन जो पैसा आया मैंने जाके उसको स्टेट को दे दिया। तो कुछ टैक्सेस या कुछ ड्यूटीज़ जो होती हैं वो इस प्रकार से भी होती हैं। ठीक है, ये जो हैं
ये हमारे इंटर स्टेट जब हम ट्रेड करते हैं उस टाइम पे ये जो टैक्स ड्यूटीज़ हैं ये लगाई जाती हैं। इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम सामान इधर से उधर, गुड्स एंड सर्विसेज वन स्टेट टू अनदर स्टेट लेकर जाते हैं, उस टाइम पे ये जो टैक्सेस होते हैं ये लगाए भी जाते हैं यूनियन के द्वारा, कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जिस स्टेट में प्रॉफिट हुआ है, जिस स्टेट की वजह से हमको उस चीज़ का प्रॉफिट हुआ है, उस पर्टिकुलर स्टेट को वो जो अमाउंट है वो दिया जाता है। टैक्स डिवाइडेड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब जो टैक्सेस, कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो लगाए भी यूनियन के द्वारा जाते हैं, जो कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में होता है। जैसे कि आपने बोला GST है ना, और कुछ जो यूनियन है वो अपने हिसाब से डिवाइड कर देते हैं एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, जैसे कि GST है, या फिर जैसे कि सेस है, या फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो एक्साइज ड्यूटी जब हम लोग लगाते हैं, राइट। इनकम टैक्स जो है वो स्टेट का अलग लगता है एंड सेंटर का अलग लगता है, तो वो जो टैक्सेस है वो लगाए स्टेट यूनियन के द्वारा जाते हैं, कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा किए जाते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट दोनों स्टेट और यूनियन। सॉरी, सपोज कोई आदमी राजस्थान का है और बेंगलोर में काम करता है, कंपनी का टैक्स अगर बेंगलोर में रजिस्टर्ड है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का भी जाएगा, उस पार्ट कुछ वो इंप्लॉय यहाँ का है उसको भी मिलेगा। वो रेजिडेंट अगर राजस्थान का है, हाँ, और अगर वो बैंगलोर की किसी कंपनी में काम कर रहा है तो जो टैक्स जो होगा वो देगा तो गवर्नमेंट, जो बैंगलोर की गवर्नमेंट है उसको टैक्स देगा, लेकिन हाँ इनकम टैक्स तो सेंटर को ही जाएगा, लेकिन जो अमाउंट होगा उसके टैक्स भरने का, जितना पैसा उसने 20,000 रुपीज़ जो दिया है टैक्स के रूप में, वो 10,000 इधर और 10,000 इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। और जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो इक्विटेबल डिवीजन भी वो कर सकते हैं। इक्विटेबल डिवीजन्स मतलब जैसे भी बताया कि भाई 10,000 है, 10,000 जितना भी अमाउंट मिला है हमको टैक्सेस का, सेंटर और स्टेट चाहें तो उसको आपस में इक्वल भी बांट सकते हैं, वो चाहे तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन में कि भाई जिसको जिसकी ज़्यादा नीड है मॉनिटरी फंड्स की या फिर रिसोर्सेज की, तो वो उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि GST हो गया, या फिर सेस हो गया, या फिर एक्साइज ड्यूटी जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे जो हम टैक्सेस लगाते हैं, जो टैक्स रेट्स लगाते हैं वो एक्साइज ड्यूटीज होती हैं, तो उसके हिसाब से वो हम स्टेट या सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ग्रांट्स इन एड्स मतलब कि भाई दो तरीके की ग्रांट्स होती हैं जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि भाई स्टेट को जो है सेंट्रल के अंदर से कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। दो तरीके के होते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स एंड डिस्क्रिमिनेशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में क्या होता है कि जो फंड ऑफ इंडिया, वो सारे ग्रांट्स जिस स्टेट को, इंडिया की किसी स्टेट को असिस्टेंस की ज़रूरत है, असिस्टेंस मतलब सहारे की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की वो प्रोवाइड करवा सकती है, वो दे सकती है। अब सपोज़ अगर हम बात करें कि भाई बिहार की, या फिर हम कोई ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनकी बात करें कि वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ कम होती हैं लोगों को, या फिर वहाँ पे इतना जो अवेयरनेस है वो कम है, या फिर उनको सपोज़ मनी की ज़्यादा ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो और वहाँ पे नेचुरल कलामिटीज़ भी हमको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा आती हैं, तो वो जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से असिस्टेंस के रूप में, एक मदद के रूप में स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो हैं वो दे सकती हैं। डिस्क्रिमिनेशनरी ग्रांट्स क्या होते हैं? नाउ डिस्क्रिमिनेशन मतलब अपनी समझ से या अपनी सूझबूझ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को अपनी मर्जी से कि भाई अपना ना खुद का ब्रेन यूज़ कर सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक स्टेट को ग्रांट्स दे सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टेट जो है वेलफेयर का काम या डेवलपमेंट का काम जो अच्छा कर रही है और उसके वेलफेयर और डेवलपमेंट में कोई रुकावटें ना आए, तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से उन लोगों को, उन स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसको डिस्क्रिमिनेशनरी ग्रांट्स देती हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से, या फिर अपने अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने हिसाब से किसी भी स्टेट को
अमाउंट जो है वो दे देती है। अगर हम हिंदी में बोले डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, तो विवेक होता है कि भाई अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ के हिसाब से। तो ये दो तरीके के ग्रांट्स होते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिमिनेशन ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स उनको दिया जाता है जिनको ज़रूरत होती है, जिनको असिस्टेंस की, जिनको सहारे की ज़रूरत होती है, उन स्टेट्स को दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशनरी ग्रांट्स वो ग्रांट्स होती हैं जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट को प्रोवाइड करवा सकती है, जो गवर्नमेंट को लगता है, सेंटर को लगता है कि भाई ये स्टेट अपने फील्ड में अच्छा कर रही है। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे आज के सेशन का कि भाई इमरजेंसी के क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे फाइनेंशियल रिलेशंस पे। इमरजेंसी हमको पता है इमरजेंसी क्या होती है, जब नेशनल इमरजेंसीज हो जाती है, कुछ ऐसी वॉर की सिचुएशन हो जाती है, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ हो जाती है कि हमको हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगानी पड़ती है। फाइनेंशियल इमरजेंसीज भी हो जाती है, नेशनल इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसीज कि भाई कंट्री में वॉर की सिचुएशन आ गई है, या फिर अभी जब पैंडमिक की सिचुएशन आई तो भी एक काइंड ऑफ वो इमरजेंसी थी, बट हमने उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि भाई हमारे हमने इमरजेंसी लगाई है। फाइनेंशियल इमरजेंसीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसीज जब हमारे कंट्री में फाइनेंस की कमी हो जाए, हमारी कंट्री में पैसा ख़त्म होने लगे, या हम लैक कर रहे हैं मनी से, तो ये दो तरीके की इमरजेंसीज होती हैं। नेशनल इमरजेंसीज के टाइम हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास पूरा राइट होता है कि जितने भी फाइनेंस कमीशन्स ने डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए हैं, जितने भी प्रोविजंस बनाए हैं फाइनेंस कमीशन ने, वो सारे डिसॉल्व कर सकता है, वो सारे ख़त्म कर सकता है, या फिर वो कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड पे रख सकता है कि अभी नेशनल इमरजेंसी चल रही है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के ऊपर आप ये सारी चीज़ें अभी नहीं लगाओ, इन सब चीज़ों को के ऊपर रोक लगा दो, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं अमाउंट के, जो भी मॉनेटरी फंड्स, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स जो भी दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें। सेकेंड है हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसीज के टाइम पे जो यूनियन है, जो सेंटर है, वो स्टेट को बताती है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। एक तो आपको कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मीन्स कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर या जिस वजह से आपकी हमारी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्यों ऐसा हुआ या क्या ऐसे रीजंस थे, उन सबको एग्जामिन करना, उन सबको एनालाइज करना कि भाई किस वजह से फाइनेंस की इतनी कमी हो गई है स्टेट में। यूनियन ये भी बोल सकता है कि भाई आप रिड्यूस कर सको जितने भी सैलरीज या जितने भी अलाउंसेस, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की आपके पास पूरा राइट होगा कि आप उनको कम कर सको। इवन दो जो हाईकोर्ट का जज होता है, आप उसकी भी जो सैलरीज या अलाउंसेज, आप उसको कम कर सकते हो। सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सर, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया जो फंड्स होते हैं कंसोलिडेटेड, उसमें से किसी को सैलरी नहीं मिलती है, उसमें जो ये इंसेंटिव्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है, क्योंकि वो हाई कोर्ट से भी अबव होते हैं। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए लागू होती है, राइट? कि अब सपोज़ हमारी स्टेट की बात करें, अगर हमारी स्टेट में आज की तारीख में अगर खड़े खड़े कल से बोल दिया कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, हमारे स्टेट में पैसा नहीं है, हमारे स्टेट में फ्लो ऑफ मनी नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी पर्टिकुलर स्टेट में लगती है। जब नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, तब वो पूरी कंट्री में लगती है, और उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं, वो चीज़ होती है फाइनेंशियल, जो एक पर्टिकुलर स्टेट पे होती है। और अगर एज अ कंट्री हम होल देखें, हाँ वो मैं बता रही हूँ, एज अ कंट्री एज अ होल देखें तो 1991 की जो क्राइसिस थी वो हमारी एक नेशनल इमरजेंसी थी। उस टाइम पे हमारी पूरी कंट्री, वो तो डिफरेंट थी, लेकिन हमारी कंट्री एज अ होल के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा था। हमारी पूरी कंट्री के पास पैसे नहीं थे, एक पर्टिकुलर स्टेट या दो स्टेट की बात नहीं, हमारी पूरी कंट्री में ही पैसे ख़त्म हो गए थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये बोला कि भाई हमारी कंट्री के पास अब पैसा बिल्कुल नहीं है, अब हम एकदम बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसलिए हमने दूसरी कंट्रीज या दूसरे देशों से जाके उधारी या बोरिंग्स करना हमने स्टार्ट किया, या फिर जो हमने ट्रेड करना है वो स्टार्ट किया। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जब फाइनेंशियल इमरजेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट, यहाँ पे हम इन सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हैं ना, कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये बता रहा है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो सेंटर के पास अथॉरिटी होती है कि वो यू नो डायरेक्शंस दे सके स्टेट को कि भाई आप जो सैलरीज हैं या जो अलाउंसेज हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ
जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसको जो अमाउंट जो उसकी सैलरी होती है, हाई कोर्ट की जज की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरीज होती है। जब अगर हमारे कंट्री हमारे स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि हमारे हाई कोर्ट का जो जज है वो उनकी सैलरी या जो उनके अलाउंसेज है उनको कम कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेट के पास पैसे नहीं हैं। सर जब फाइनेंशियल इमरजेंसीज लगती है ना, नॉर्मल बेसिस में नहीं होता है, लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसीज के टाइम जब होता है उस टाइम पे, बिल्कुल सर, उस टाइम पे आप हाई कोर्ट के जजेस की तक सैलरीज को आप कम कर सकते हो, क्योंकि हमारी स्टेट में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उसकी सैलरी है वो एट द एंड फ्लो होके हमारी स्टेट में ही आएगी। वो सैलरी देगा, उसको हम सैलरी देंगे, वो टैक्स भरेगा तो हमारी स्टेट के लिए ही भरेगा। जब हमारी स्टेट में टैक्स आएगा तो हमारी स्टेट का जो फ्लो ऑफ मनी है वो स्टार्ट होगा। तो अगर वो टैक्स कम ज़्यादा देगा, उसके पास सैलरी नहीं है, तो वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा। इसीलिए जो फ्लो ऑफ मनी है हमारे टैक्स हमारी स्टेट का वो होना ज़रूरी है। तो उसकी वजह से हम हाई कोर्ट की जो सैलरी है, हाई कोर्ट की जज की जो सैलरी है, सैलरी की बात नहीं करेंगे, जो अलाउंसेज हैं, जो हम उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ मनी जो हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये फाइनेंस कमीशन का था, हमने जो भी देखा कि भाई फाइनेंस कमीशन क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस, क्या उसके मेंबर्स कौन होते हैं, सारी चीज़ें, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या होती है फाइनेंस कमीशन की, कौन कौन से ग्रांट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंस कमीशन इंटर स्टेट रिलेशंस फाइनेंस में प्रोवाइड करवा सकता है, क्या क्या ड्यूटीज़ लगाई जा सकती हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो फाइनेंस इंटर स्टेट स्टेट और सेंटर्स के बीच में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है।